अब्दुल कादिर हूँ। पाशा, ये थप्पड़ उस बेइज्जती का बदला है जो तुम्हारे बाप की वजह से मेरी हुई थी, और आज के बाद तुम्हारी हर रात उस रात का बदला होगी जो तुम्हारे बाप की वजह से मैंने जेल में गुजारी थी, समझी? मामा, मैं पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। That's an excellent idea. लेकिन मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, बहुत जल्दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसके ख्यालात में अचानक ये तब्दीली कैसे आ गई। पहले वो जाना नहीं चाह रहा था और अब चलो, तुम्हारा मसला तो हल हो गया। तुम उसे भेजना चाहती थी, वो मान गई। पर ये हुआ कैसे? तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती उससे? एक बात सोच रही थी मैं, क्यों ना अब्दुल कादिर को बाहर भेजने से पहले उसकी शादी कर दी जाए, क्या ख्याल है? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम समझती हो कि अब्दुल कादिर की ज़हनी हालत ऐसी है कि उसकी शादी की जाए? तो मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, किसी को जाना चाहिए उसके साथ जो उसका ख्याल रख सके, उसकी देखभाल करे, उसको कंपनी दे। तो फिर ऐसा करो कि तुम उसके साथ चली जाओ। आपसे बात करना तो बिल्कुल फजूल है, पता नहीं मैं क्यों शुरू हो जाती हूँ, मैं खुद ही पूछ लूंगी उससे। मैं बहुत खुश हूं आपके फैसले से, और पता क्या, मैं सोच रही थी जाने से पहले आपकी शादी कर दी जाए, ताकि आप वहां तन्हाई महसूस ना करो। मैं तो हमेशा से ही तन्हा रहा हूं मामा, लेकिन आज अचानक से आपको मेरी तन्हाई की इतनी परवाह क्यों हो गई? मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं अब्दुल कादिर। तंग आ गया हूं मैं आपकी फिक्रमंदियों से। सच पूछिए तो कभी मरी का हॉस्टल, कभी बोर्डिंग, कभी कॉलेज, हमेशा आपने अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी को मोड़ने की कोशिश की। मैंने जो किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। नहीं चाहिए मुझे आपकी बेहतरी, और ये सब कुछ आपने मेरी बेहतरी के लिए नहीं किया, अपनी अना की तस्कीन के लिए किया। मजा आता है आपको अपने इशारों पर लोगों को नचाकर? तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो? अब आपको मजीद मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी, अपने मुस्तकबिल का फैसला आपकी ख्वाहिशात, आपकी अना की भेंट नहीं चढ़ने दे सकता। सारा कसूर उस लड़की का है, उसका रंग चढ़ गया है तुम भी। उससे मिलने से पहले तुम इस तरह से बात नहीं करते थे। भूल जाइए उस लड़की को, अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे। उसका कोई भी रंग मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। Just forget.
मैडम बाबा के जाने से बड़ी उदासी हो गई है। वैसे कब तक आएंगे बाबा? 2 या फिर 4 साल। कब तक उसके जाने का सोग मनाएंगे? अब तो सारी उम्र का रोना ही रह गया है। जब उसने आपके प्यार की, आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं की, तो आप उसकी जुदाई में क्यों जोग लिए बैठे? वो औलाद थी मेरी, तुम क्या जानो औलाद का दुख दर्द क्या होता है। मुझे बे औलाद होने का ताना दे रहे? अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। बे औलाद ही तो हो गया। अगर इतना ही दुख हो रहा है ना, तो जाए, जाके ले आए उसे और उसके शोहर को। नहीं, कभी नहीं। मर गई है वो मेरे लिए, मर गई है। मर गई है तो सब्र करें, यूं लम्हा लम्हा खुद को ना मारे। जल्दी जाया करो। आखिर कब तक कैसे चलेगा पाशा? क्या कैसे चलेगा? हम कब तक किसी दड़बे में यूं ही रहेंगे? जब तक अहमद के अंकल और आंटी नहीं आ जाते। तो मुझे अपने घर क्यों नहीं लेकर जाते? घर और तुम्हें? What's so funny? फनी ये है कि तुम घर की बात कर रही हो। तो ये है कि तुम जैसी लड़की जिसने घर से भाग के शादी की हो, उसे घर की बात नहीं करनी चाहिए। तुमने भी अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ ही मुझसे शादी की थी ना? मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए की थी, समझी? तो तुमने मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं की? मोहब्बत और तुमसे? तुमने क्या मुझे एक ही जैसा बेवकूफ समझ रखा है? मैं सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता था। अब ये मोहब्बत की बकबक बंद करो और मेरे लिए कॉफी लेके आओ। एंड दिस टाइम हरी। पिछलो नहीं है। बीपी आपका हाई है, लगता है बहुत ज्यादा एग्जर्शन कर रही हैं आप। बस खुद को मसरूफ रखती हूँ, वरना तो बहुत उदासी हो जाए। अच्छी बात है मसरूफियत भी, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि इंसान खुद को बीमार कर ले। सही कह रही हो तुम। आप और सिद्दीकी भाई ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ दिनों के लिए अब्दुल कादिर के पास चले जाएं? आप फ्रेश हो जाएंगी। सिद्दीकी भी बहुत मसरूफ है, उन्हें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन आप तो जा सकती हैं। हाँ मशवरा तो सही है तुम्हारा। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे चाय पीकर जाओ ना, वो लेकर आ रहा है। अरे नहीं नहीं फिर कभी सही, वो असल में जिया आने वाले होंगे ना, हमें फरीद भाई की खबर लेने जाना है। क्या हुआ उसे? उन्हें तो जरीन ने कहीं का नहीं छोड़ा, काफी डिप्रेस रहते हैं फरीद भाई आजकल। पाशा तुम्हारे साथ तो नहीं है?
उठा रहा। मैं फ्रांस जा रही हूँ। ये आप मुझे बता रही हैं या पूछ रही हैं मुझसे? बता रही हूँ। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि आप कोई काम करने से पहले मुझसे पूछ लें। बताना भी नहीं चाहिए था। बहरहाल एग्जीबिशन के बाद मैं इंग्लैंड जाऊंगी अब्दुल कादिर से मिलने। ओ, तो यूं कहो ना कि फ्रांस तो बहाना है, आप अब्दुल कादिर से मिलना जाना चाहती हैं, बल्कि उसे चेक करना चाहती हैं। मैं उदास हूं उसके लिए सदीकी। उदास? और तुम? तुम्हारी जुबान से पहली बार उदासी का लफ्ज सुना है। हालांकि मेरी मुखालफत के बावजूद तुमने उसे मुझसे और अपने आप से दूर रखा है। अब तुम ये चेक करने जाना चाह रही हो कि तुम्हारी गिरफ्त से निकलकर अब्दुल कादिर कैसे जिंदगी गुजार रहा है। सही कह रहे हैं आप, मैं उसे मिलने नहीं जा रही बल्कि उसे चेक करने जा रही, उस पर नजर रखने जा रही, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं। कहीं भी था, तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे ये तकलीफ है कि सारा सारा दिन मैं इस जहन्नुम में रह के तंग आ गई हूँ। तो चली जाओ यहाँ से, क्यों रहती हो? तुम्हें क्या हो गया है पाशा, क्यों कर रहे हो मेरे साथ इस तरह? हम दोस्त भी तो हैं, और फिर मुझे अकेले छोड़ के तुम चले जाते हो। मुझे साथ लेकर जाया करो। पहली बात ये कि तुम मेरी दोस्त नहीं, तुम अब मेरी बीवी हो, समझी? ऐसी बीवी जिसके बाप ने मुझे बेइज्जत किया था, और ऐसी बीवी को कोई कहीं नहीं लेके जाता। पाशा, तुम पापा को माफ नहीं कर सकते, और फिर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। फिर वही मोहब्बत, मोहब्बत। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इंतकाम लेने के लिए की थी, और इंतकाम मोहब्बत से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। बस करो ये मोहब्बत की बातें, हटो, मुझे कुछ खाने को लाके दो, भूख लगी है मुझे। तो फिर तुम भी सुन लो, ना तो मुझे खाना बनाना आता है और ना तो इस जहन्नुम में कुछ खाने बनाने को है। सफर कैसा रहा? सफर ठीक था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज?
कौन सा सरप्राइज? तुम्हें मालूम था मैं आ रही हूँ? नहीं। तो मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया था ना, तुम हैरान नहीं हुए? एक्चुअली मॉम, काफी अरसा हो गया मैंने हैरान होना छोड़ दिया। वैसे भी दूसरों को हैरान करने में ज्यादा मजा आता है, डोंट यू थिंक सो? हाँ। क्या लाऊं आपके लिए, चाय कॉफी? मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ, आई ब्रिंग यू सम कॉफी। तुम्हारे बाबा बहुत उदास हैं तुम्हारे लिए, वो चाह रहे थे कि तुम इस दफा ईद पर पाकिस्तान आ जाओ, हमारे साथ करो ईद। ईद पर क्या होता? त्योहार है बेटा, खुशी का मौका है। और मुझे खुश होने के लिए किसी त्योहार की जरूरत पड़ती नहीं। हम दोनों को खुश होने के लिए तुम्हारी जरूरत है। Now that's a surprise. क्योंकि जब मैं वहां था तो आपने मुझे खुद से दूर करने की हर कोशिश की थी। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया था। अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहां भेज के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मॉम, अब जो गलती हो गई सो हो गई, उसके बारे में क्या सोचना? मैं अपनी गलतियों को सुधारना जानती हूँ, और मेरे लिए अब कोई गलती गलती रही नहीं। Enjoy coffee. ओए याद आया मनु, सुन तू कह रहा था माँ जी आए हैं तो और तू मेरे साथ क्या कर रहा है यार? तू माँ जी के पास जा, इसीलिए तो घर नहीं जाता मैं। तेरा झगड़ा तो नहीं हुआ माँ जी से? यही समझ ले यार। ओए मैं बोतल मार के ना तेरा सिर खोल देना। ओए माँ नाल नहीं लड़ी दा पागला, ते बेचारियां तो वैसे ही बड़ी मिसकीन होती है, तेरा तो की कसूर होता है यार, क्यों लड़ते हो तुम लोग माँ से? उन्होंने किया क्या? हिम्मत है ना बड़ी, जाओ जाके प्यो से लड़ो अपने, वो बताएगा फिर तुम। माओ के साथ नहीं करी दे, माओ नल्ली के बाप के साथ कुछ भी करना जायज है, उसका खैर है। और सुन, मैं सवेरा माँ जी ले नाश्ता बना के लाता हूँ, तेरे घर में तो वही मिलना है, सड़े हुए टोस्ट काली काफी। और मैं माँ जी ले साग ते पनीर ताजे पराठे आके मैं उठे पा देने। नहीं यार, वो नहीं खाते हैं सब कुछ। आस्क मी, उन्हें पता है मामा क्या पसंद करती हैं। ना कर, मुझे पता है, चल घर जा, गो गो होम गो। ओए जा कर, माँ इंतजार कर रही होनी है, चल आजा आजा मेरे नाल आजा। अरे बीवी कहाँ जा रही हो? मुझे पाशा से मिलना है, हटो मेरे रास्ते से। ना नाम पता बताओ। मेरा नाम जरीन नुमान पाशा है और तुम्हारे साहब की बीवी हूँ मैं, अब हटो मेरे रास्ते से। अब रुको, मैं साहब से पूछ के आता हूँ। शाहनवाज क्या मसला है? साहब जी कोई बीवी है बोले, मैं साहब के लिए। तुम अंदर जाओ, मम्मी बुला रही हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर है ये मेरा, और आज रात को मेरी बहन की मंगनी है। घर? बहन की मंगनी? मुझे उस जहन्नम में फेंक कर आ गए हो तुम यहाँ पर, अपनी फैमिली के साथ मजे ले रहे हो। उस जहन्नम में मैंने तुम्हें नहीं धकेला, तुमने अपने आप को खुद वहां झोंका है। और आज मेरे घर में फंक्शन है, बेहतर है कि तुम यहाँ कोई बदमजगी क्रिएट ना करो। चलो मान लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ और इस घर की बहू हूँ, इसलिए मेरा पूरा हक बनता है कि तुम्हारे घर के हर फंक्शन में मैं हिस्सा लूँ।
ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। निकलो यहां से, गेट आउट। लीव मी, मुझे वालेकुम सलाम। तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो, कौन हो तुम? ओ जी मैं दरअसल में ना एक ने मुझे बताया था आपा जी कि वो माँ जी आई नहीं है, तो मैं उनसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा सलाम भी कर लूँ और कुछ खाने के लिए भी ले जाऊँ। एक को तो जनाब काफ़ी के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता, उसको मेरे हाथ के खाने बड़े पसंद है, तो इसलिए वो मैं ले आया हूँ आपा जी। कौन माँ जी? एक की माँ जी, वो किधर है? और सुते पे होने ने। वैसे मेरी माँ जी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, सुबह सवेरे तड़के उठ जाया करती थी फजर के वक्त, नमाज पढ़ के जब तक सूरज पूरी तरह तुलू नहीं होता था ना वो कुरान पाक पढ़ती रहती थी। और मुझ बदनसीब को देखें जी, सीखा ही नहीं कुछ उनसे, फिटे मुंह। एक मिनट, एक यू अब्दुल कादिर की माँ मैं ही हूँ। है जी आप ए क्यों की मम्मी जी? हाँ लो कर लो बात। क्यों आप तो, मैं समझा आपा जी आप तो बड़ी जवान है। दूसरी बात ये है कि ये क्या है ये साग? हाँ ये फजूल चीजें मैं नहीं खाती। सॉरी आंटी जी, दरअसल मैं ना एक क्या मेरे हाथ के खाने बड़े पसंद है बने हुए, तो मैं कुछ और बना के ले आऊंगा आपके लिए आंटी जी। मुझे कोई आंटी कहे मुझे सख्त बुरा लगता है, प्लीज। ठीक है अम्मा जी, नहीं आपा जी, मैडम। तुम करते क्या हो? ये अब्दुल कादिर से तुम्हारी दोस्ती कब से है? ओ जी अब्दुल कादिर को एक क्या होगा मैं ज्यादा अरसे से नहीं जानता, लेकिन जी हमारी ऐसी दोस्ती हो गई कसमें, लगता है वी आर कच्चा फ्रेंड्स, बचपन से हम दोनों दोस्त हैं। कसम खुदा दी, इतना प्यारा इंसान है, इतना दिल का अच्छा, आपने बड़ी अच्छी तरबियत की है उनकी, खुदा दी कसमें। और मैं एक बात बताऊँ जी, मैं जो हूँ ना पहले यहाँ पर टैक्सी चलाता था, फिर वैसे तो फैज रसूल कुछ भी कर लेता है, लेकिन आजकल ना मैं एक अंग्रेज बनिया की दुकान पर सेल्समैन हूँ। हो गया अब्दुल कादिर को, किस किस्म के लोगों से उसने दोस्तियां कर रखी हैं। सुनो मिस्टर, आइंदा यहां आने की अब्दुल कादिर से मिलने की कोशिश मत करना, बस। जी मैडम जी, दोस्तियां और ताल्लुकात अपने से बराबर के लोगों के साथ की जाते हैं, मेरा ख्याल है तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी। चलो बस प्लीज अब जाओ यहां से। ठीक है आपने मैडम जी, वाकई मासूम आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि किससे दोस्ती कर बैठा है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलो जाओ फल से बिना जाड़ो। फैज, फैज एक फैज, तो आप यहां मेरी दोस्तियां और ताल्लुकात खराब करने के लिए आए? क्या जानती हैं आप उस शख्स के बारे में जिसे अभी आपने इस तरह जलील करके निकाला है? जितना जान गई हूं ना इस थोड़ी सी देर में, उसके लिए अच्छा है कि उसे जलील करके निकाला है मैंने। क्या जान गई आप? यही कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है या किसी शॉप में सेल्समैन है? क्या आपने ये जाना कि उस शख्स ने आपके बेटे की जान बचाई थी? अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने इस तरह नहीं खड़ा होता। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ पता चल भी जाता तो क्या फर्क पड़ता आपको? क्योंकि आपके लिए किसी से ताल्लुक रखना सिर्फ स्टेटस और बराबरी की वजह से होता है। और ठीक कहा आपने कि उस शख्स से ताल्लुक नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत अजीम है और मैं उसके सामने बहुत छोटा हूं। I'm sorry, बेटा। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है आपको। आई थिंक जगह ही आपके लायक नहीं।
कुछ और मंगवाओ। थैंक यू पापा। आइसक्रीम मेरे साथ घर चलोगे? नहीं पापा। अभी थकी नहीं? जब थक जाओ तो घर चली आना, मेरे दिल और घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। बात नहीं करेगा मुझसे? छोड़ दे, जो होया सो होया। यार जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। I'm sorry। सच्ची गल है यार, माँ जी ने तेरे, जाहिर सी बात है अपने बच्चे का तो भला ही सोचेंगे। I think उन्होंने मेरा गुस्सा तुझ पे उतारा। क्या मतलब? एक्चुअली वो मेरे बारे में जो कुछ सोच के आई थी, मैं उसके बिल्कुल बरक्स निकला। यू नो देयर वर अ कपल ऑफ गर्ल्स एट माय प्लेस एज वेल व्हेन शी केम हैविंग ड्रिंक्स एंड ऑल। ओ थोड़ी, ओ भाई अगर अम्मा जी आ रहे थे तो कुड़ियों को इधर उधर कर देना था, और वो अंगूर की पेटी सामने थी या उसको फ्रिज में रखा हुआ था? अमीर लोगों की सोसाइटी में इन चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शराब, गर्लफ्रेंड्स, इट्स ऑल वेरी कॉमन। आई नो ले भाई, एक है जे ए हरकत मेरे प्यो अगे हुई होती है, उन्हें लानी सी जुत्ती ते मार मार के ना मेरा पुरकस निकाल देना थे, और शायद जान से ही मार देते। होए होए होए। वैसे सच्ची बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ जी को ना तेरी मेरी दोस्ती देख के को बहुत बड़ा चटका लगा, तचका फुल। मैं तचका लगा जरूर इस बात का कि मैंने अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना शुरू कर दिए और मैं उनके इख्तियार से बाहर निकला। कहां से आ रही हो? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। शौहर हूं मैं तुम्हारा, मगर मैं ये जानना जरूरी समझता हूं कि मेरी बीवी पूरा दिन कहां गुजार के आई है। ये बहुत अच्छा है पाशा, जब दिल में आता है तुम मुझे बीवी का टाइटल दे देते हो और जब दिल चाहता है छीन लेते हो बीवी। आज सुबह में तो मैं तुम्हारी बीवी नहीं थी और अब रात को मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हाँ बकवास बंद करो, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ थी तुम? चिल्लाओ मत, मैं जहां भी थी बहुत खुश थी, मुतमईन थी। दरवाजा खोलो, बात नहीं छोड़ूंगा इसे। ओपन द डोर। यू ये क्यों? याद आया मुझे, तेरे पास कौन सी गिदड़ सिंगी है जो तू बच्चियों को सुंगाता है तो वो तेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगती है। तुम भी तो कुछ बोलो एक्यू, क्या पूछ रहा है फैज? क्या बताना यार, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मोहब्बत? फैज
तू जिसे मोहब्बत समझ रहा है ना, वो मोहब्बत नहीं होती। ना तो और क्या होती है मोहब्बत, जो तुम लोग करते हो जो मैं करता हूँ उसमें क्या फर्क है। इसको जब भी मैंने देखा है इसके इर्द गिर्द कोई नई तितली जो है वो मंडला रही होती है, यूं यूं। ये तो फिर तुम एक्यू से पूछो। हाँ भाई एक्यू, तुम बताओ क्या होती है मोहब्बत। हाँ भाई, आज इस राज को अफशा कर दो। क्या मोहब्बत क्या होती है? लव, मोहब्बत। हाँ मोहब्बत ये होती है कि किसी की खातिर अपने आप को मुकम्मल तरीके से बदल देना, अपने आप को उसके सामने झुका देना, किसी की ख्वाहिशात के लिए अपनी पसंद को रद्द कर देना, किसी के लिए अपने वजूद की अपनी जात की नफी कर देना, महबूब की जात उसी की अदा, बस कुछ ऐसा हो कि उसका चलना उठना बैठना बस आप महबूब की जात पर तो हो जाए। एंड दैट माय फ्रेंड इज लव टू मी। यानी रांझा रांझा कर दे मैं आपे रांझा हुई। एग्जैक्टली किसी के लिए मोहब्बत में अपने आप को बिल्कुल बदल देना, यही असल बात है। झूठ बोल रहा है यार तू। कम ऑन। ओ यार मैंने कितनी लड़कियों के साथ देखा है तुझे, मैंने आज तक तुझे किसी लड़की के लिए बदलते हुए नहीं देखा। तो मैंने कब कहा कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूं? यार वो जो ऑक्सफोर्ड में गीता और नैंसी थी वो तो तेरे लिए मुसलमान होने को तैयार थी। लेकिन उन दोनों में से मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं। ओह माय फ्रेंड व्हाट यू हैव डन। फन? नो दैट वाज डायरेक्ट की टू जन्नत। दोनों कुड़ियां मुसलमान हो रही थीं यार। वैसे देखा ये बात, देखो तुम नोट करो कि इस बात को लेके मैं कह सकता हूं कि मुझ में और एक्यू में कोई फर्क नहीं है। नहीं फैज फर्क है, फैज रसूल साहब बहुत फर्क है। देख तू लड़कियों के पीछे भागता है क्योंकि तू उनसे मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन एक्यू के पीछे लड़कियां भागती हैं क्योंकि वो इससे मोहब्बत करती हैं। तू आशिक है जो मोहताज होता है, एक्यू महबूब है जो बेनियाज होता है। Cheers to that. Cheers to that. भाई चार के बाद स्कॉलर हो गए। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत थी मैंने बेच दी। बहुत ही चीज हो तुम। नहीं हरकत तो तुमने भी की है। जब मैंने तुमसे कहा था कि उस शख्स के साथ ना घूमो तो फिर क्यों मिली उससे? बाप है वो मेरे, मिलूंगी मैं उनसे। तुम भी अपनी फैमिली से मिलते फिरते हो, मैं क्यों ना मिलूं? देखता हूं कैसे मिलती हो तुम उससे और मैं देखूंगी कि तुम मुझे रोकोगे कैसे।